नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। ये नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता रतन कुमार की खबर कटिहार बिहार से। बिहार के कटिहार स्थित BMP 7 में पदस्थापित महिला पुलिस कर्मी विभा का देश के प्रति प्रेम और कुछ कर गुजरने के जज्बा उनके हौसले को उड़ान दे रही है। जी हाँ, 2 साल पहले ट्रेन हादसे में दोनों पैर गंवाने के बावजूद विभा हार नहीं मानी और आज वह पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ निभा रही है और अपने सपने को साकार कर रही हैं। दरअसल विभा 2019 के दिसंबर महीने में छुट्टी लेकर अपने घर नालंदा जा रही थी। तभी बख्तियारपुर जंक्शन पर ट्रेन से उतरने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे चली गई। जी हाँ, उसका दोनों पैर कट गया। उस हादसे के बाद विभा पूरी तरह टूट चुकी थी और उसका सपना अधूरा होने लगा, लेकिन कुछ महीने बाद ठीक हो गई। कृत्रिम पैर के जरिए आज उसी जोश और जुनून के साथ ड्यूटी कर रही है जैसे वह उस हादसे के पहले करती थी। बता दें कि विभा के देशभक्ति और उसके जुनून को देखते हुए BMP 7 के कमांडेंट दिल नवाज अहमद और अन्य महिला पुलिसकर्मी विभा के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। इन दिनों विभा की ड्यूटी BMP 7 के अंदर बने चाइल्ड केयर में लगाया गया है और वह अपने महिला पुलिसकर्मी साथी जो ड्यूटी चले जाते हैं उनके बच्चों का देखभाल करती है और माँ के तरह उसका पालन लालन भी करती है। हटे हटे हट नहीं यार, हट आगे से। मैं महिला सिपाही 149 अंजलि कुमारी। मेरे पास एक 5 माह का बच्चा है जिसको लेकर ड्यूटी के दौरान बहुत कठिनाइयां होती थी। उसको देखते हुए हमारी कमांडेंट सर ने ये चाइल्ड केयर सेंटर का उद्घाटन किया जिससे हम लोगों को बहुत फायदा और सहूलियत मिलती है ड्यूटी के दौरान। और ये है विभा जी जिनको एक्सीडेंट के दौरान पैर काटना पड़ा, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानी। ये बहुत ही अच्छे से चाइल्ड केयर सेंटर में ड्यूटी करती हैं और हमारे बच्चे को माँ की तरह संभालती हैं। और इनके पास हम लोग बच्चे छोड़ के अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से पूरी करते हैं और ड्यूटी के दौरान हम लोग को सहूलियत मिलती है। और ये विभा जी जिनका पैर आर्टिफिशियल पैर है, फिर भी ये अपनी ड्यूटी में अच्छी तरह से ड्यूटी निभाती हैं। इनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ और इनके हौसले बुलंद और इनके साहस को भी मैं सलाम करती हूँ। नाम बोलिए। मेरा नाम अंजलि कुमारी, BMP 7 कटिहार। एक मन में खाकी वर्दी का शौक था, देश रक्षा की भावना थी, इसीलिए पुलिस की नौकरी मैंने 2015 में ज्वाइनिंग की।
एक ट्रेन हादसे से मेरे दोनों पैर कट गए, लेकिन आज भी मेरा दोनों पैर में चला गया, उसके जगह पर कृत्रिम पैर लगा है, लेकिन आज भी मेरा वही जुनून है देशभक्ति का। मैं खाकी वर्दी पहन के देश की रक्षा करूँ। उसी कृत्रिम पैरों के सहारे में चल फिर सकती हूँ, ड्यूटी कर रहे हैं। कठिन बहुत हो गया, मगर परिस्थिति जो भी हो, देश रक्षा की भावना आज भी है। आज भी हौसला वही पहले की तरह ही है। बहनों को कहते हैं कि इस हौसले को हमेशा हिम्मत, परिस्थिति जो भी हो हिम्मत बनाए रखना चाहिए। देश की बेटियों के लिए ही हमेशा हौसला और धैर्य के साथ अपना हिम्मत से काम लेना चाहिए। कभी अपने अंदर जुनून को कम नहीं करना चाहिए। कह रहा हूँ मेरा ड्यूटी लगा है बच्चों के साथ, उसको साथ से ड्यूटी करना है, रहना है, देखभाल करना है। देखभाल के लिए ड्यूटी लगती है, ड्यूटी के दौर जो ड्यूटी में उनको बच्चों के देखभाल करने के लिए यहाँ चाइल्ड केयर सेंटर खुला है, उसी में ड्यूटी लगा है बच्चों की देखभाल करने के लिए। विभा कुमारी कुमारी है, जो बहुत ही बोल्ड लड़की है, जिसका दोनों पैर एक हादसा में कट जाने के बावजूद भी वो खुद सबको फोन करके सूचना दी कि मेरा पैर कटा हुआ है, और यहाँ भी उसका काम बहुत अच्छा है, सारा बच्चे को देख रेख बहुत अच्छी तरह से करती है, और वो एक अच्छी माँ की तरह सब बच्चे को ख्याल रखती है। कुमारी काफ़ी उत्साह के साथ ये अपना ड्यूटी कर रही है। अभी चाइल्ड केयर सेंटर क्रैच बीएमपी के जो महिला सिपाही हैं, जो बच्चों के साथ ड्यूटी करते थे, उनके साथ खोला गया है, और ये काफ़ी उनमें घुल मिल करके अपने जो ड्यूटी आवर है उसमें अपना काम कर रही है, सभी बच्चों का देखभाल करती है। इसके सहयोग के लिए भी कुछ अन्य महिला है, जिसमें से एक और का पैर जो है वो भी डैमेज हो गया है, वो भी इसमें काम कर रही है और काफ़ी अच्छे से ड्यूटी कर रही हैं। अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास किया। नहीं, इसमें इसके हौसले को हम लोग सलाम करते हैं। तो जो भी मदद हो रही है डिपार्टमेंट के तरफ से और हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं, उनका भी इसमें काफ़ी सहयोग है, और ये अच्छा काम कर रही है। डिपार्टमेंट के सभी कर्मी इसके साथ पूरे परस्पर सहयोग के रूप के साथ काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।